ट्वेल्थ में हम इंटीग्रेशन करना है जीरो से पाई बाई टू। अब इसमें हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं ना, अभी हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता था, ठीक है। अब इसमें तो नहीं पता है फॉर्मूला, तो यहां पे आपको पहले इसको सॉल्व कर लेना, बाद में लिमिट रख लेंगे, ठीक है। तो भाई कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, थोड़ा लगाओ दिमाग, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा लगाओ दिमाग कैसे होता है। तो आप दिमाग लगाओगे अच्छा कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूले चेंज करते थे, थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो क्या था कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या आएगी, ये इधर जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आ गया वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए यहां सब्सटीट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा ये, तो कॉस स्क्वायर एक्स हमारा ये आ जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा यानी टू एक्स, तो वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू डी एक्स, हमें यही तो करना होगा। अगर मुझे ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये कितना आ गया वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू। अब इंटीग्रेशन कर लो, टू बाहर करो तो आपको वन प्लस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो वन बाई टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है और कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स अपॉन टू, ये आ गया। सी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें डेफिनेट सॉल्व करना है। तो अब अगर आपको ये लिमिट सॉल्व करनी है जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो अगर आपने कॉस स्क्वायर डी एक्स का इनडेफिनिट सॉल्व कर लिया है तो वो लिख दो, यानी वन बाई टू ब्रैकेट में एक्स प्लस साइन टू एक्स अपॉन टू, और अब लिमिट लगा दो, अपर लिमिट ऐसी ब्रैकेट लगा दे और क्लोज पाई बाई टू और लोअर लिमिट जीरो। तो चलो पहले अपर लिमिट रख लो, तो वन बाई टू ब्रैकेट एक्स के लिए पाई बाई टू प्लस साइन टू इंटू पाई बाई टू अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज बीच में माइनस, फिर यहां पे आप वन बाई टू ब्रैकेट एक्स के लिए जीरो रखो तो ऐसी तो आएगा, तो वन बाई टू पाई बाई टू प्लस टू से टू कट गया, साइन पाई क्या होता है जीरो, जीरो पॉइंट टू जीरो, ये जीरो और साइन टू इंटू जीरो जीरो होगा तो ये जीरो ही आएगा, तो ये पाई बाई फोर यहां से आ गया और ये तो पूरा जीरो हो रहा। तो इसका आंसर क्या रहा है, ट्वेल्व क्वेश्चन का देख लो एनसीईआरटी में अपने, तो एनसीईआरटी में ट्वेल्व क्वेश्चन का आंसर पाई बाई फोर ही आ रहा है, समझ में आया, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है देखो थर्टीन्थ।